ये बहुत दुखद है क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे बुरे हर वक्त पर उन्होंने पार्टी के साथ वो खड़े रहे हैं। अब जब एक सामान्य कार्यकर्ता को या वरिष्ठ कार्यकर्ता को सम्मान देने की बारी आई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सोरेन ने जिस तरह से जो कार्य किया वो बिल्कुल भी उचित नहीं। उनको और स्थिति परिस्थिति बस और 3 महीने रहने देते तो उसमें क्या नुकसान था? आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही सरकार थी। उनके हटने के बाद ज़्यादा प्रेम मतलब चंपई के सोरेन की तरफ आने लगा है बीजेपी? नहीं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और संगठन से जुड़े हुए लोगों को ये दर्द ये महसूस हो सकता है जिन्होंने भी संगठन में काम किया। 5 महीने बाद जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ गीता कोड़ा जी हैं। बीजेपी कह रही है कि चंपई सोरेन को हटाया गया, कोल्हान का अपमान हो गया। आप कैसे देख रही हैं हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने वो कह रहे हैं कि ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं और अब विकास की गति तेज हो? देखिए, जिस तरीके से चंपाई जी को हटाया गया या जिस तरीके से उनको बैठाया गया तो ये बहुत ही दुखद पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें, मैं व्यक्तिगत तौर पर ही इसको कहूँगी, ये बहुत दुखद है क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे बुरे हर वक्त पर उन्होंने पार्टी के साथ वो खड़े रहे हैं। अब जब एक सामान्य कार्यकर्ता को या वरिष्ठ कार्यकर्ता को सम्मान देने की बारी आई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सोरेन ने जिस तरह से जो कार्य किया वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और बाकी तो उनके पार्टी के अंदर की बात है लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ये उचित नहीं हुआ। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ये तो परिस्थितिवश उन्हें बनाया गया था और स्वेच्छा से ही चंपई जी कुर्सी छोड़े। देखिए, अब कहने के लिए तो कुछ भी कहेंगे लेकिन अगर स्थिति परिस्थिति बस सब हुआ है, उनको और स्थिति परिस्थिति बस और 3 महीने रहने देते तो उसमें क्या नुकसान था? आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही सरकार थी। लेकिन आप लोग मतलब उनके हटने के बाद ज़्यादा प्रेम मतलब चंपई के सोरेन की तरफ आने लगा है बीजेपी? नहीं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और संगठन से जुड़े हुए लोगों को ये दर्द ये महसूस हो सकता है जिन्होंने भी संगठन में काम किया हो। जो संगठन को सींचता है उसे मान सम्मान मिलना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी दूसरी बार आए, आज बैठक हुई अंदर, क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं आप लोग? देखिए, काफ़ी सारे, अब क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है तो कई सारे विषयों पर बातचीत हो रही है। घोषणा पत्र और आरोप पत्र को लेकर के आज कई चीज़ों पर डिस्कशन हुआ कि किन किन विषयों को लेकर के जनता के बीच में जाना है या क्या जनता के बीच में लेके नहीं जाना है या जाना है, इन सभी चीज़ों पर अब रणनीति तय हो रही थी। क्या कैंडिडेट के नाम की घोषणा भी पहले हो जाएगी क्योंकि चर्चा है कि चुनाव भी पहले होगा समय से? नहीं नहीं, अभी तक तो इसकी कोई सूचना मुझे नहीं है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार NEET UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.